देखा फ्रेंड्स कैसा टिकिया बन गया। आप लोग ऐसा बनाइए, खा लीजिए, कैसा बन गया, कैसा टेस्ट आया मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग को परिवार को, आप लोग को फैमिलीज को मेरा चैनल फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, सावित्रीज किचन में स्वागत है आप लोगों का। आप लोग कैसा है, भगवान दया से सब अच्छा है, सब हेल्दी खुशी रहने के लिए हर दिन भगवान को प्रेयर कर रही है। मैं भी अच्छी हूँ। आज आप लोग का सामने लेके आई हूँ बाजरा का टिक्की। बाजरा का टिक्की बहुत हेल्दी है, बहुत ही अच्छा है। हम लोग आलू टिक्की वो सब खाता है ना, जब बाजरा का आटा से टिक्की कैसा बनाने का मैं आप लोग के सामने लेके आऊँ। आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके साइड में एक घंटी है उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। बाजरा का आटा लिया है, एक कप लिया है मैंने, थोड़ा सा 1/4 कप मैंने हरा धनिया कट करके लिया है, और मेथी, मेथी का सीजन है ना अभी, ग्रीन वेजिटेबल अच्छा है, मेथी डाल दिया मैंने बारीक काट करके, 1/4 कप मेथी का पत्ता डाल दिया है। उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल दी है, 2 पिंच हल्दी डाल दिया, 1 टेबलस्पून लहसुन डाला है, 1 टीस्पून अदरक लिया है, 1 हरी मिर्ची मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया, 1 टीस्पून अजवाइन थोड़ा सा ऐसा करके डालेगा तो बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा, 1 टेबलस्पून तिल डाल दिया है, 1/2 टीस्पून हींग डाला है, 1 पिंच मैंने बेकिंग सोडा डाला है, 1 टीस्पून साल्ट डाला है, स्वाद अनुसार डाला है, आप लोग को कितना चाहिए उतना डाल दीजिए, 1/2 कप दही डाला है, अच्छा रहता है ना खट्टा खट्टा, टेस्ट भी बढ़िया आ जाएगा। मेथी थोड़ा सा कड़वा रहता है ना, इसकी वजह से वो आटा भी उसके साथ दही डालेगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। वो दही कटोरी में थोड़ा सा चिपक गई ना, वो उसके अंदर पानी डाल के उसके अंदर डाल दिया, अभी थोड़ा सा पानी डाला है और लगेगा तो मैं पानी डाल दूंगी, एकदम अच्छे से धोने का, हाथ भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स करने का, क्यों चम्मच से नहीं होता है ना, थोड़ा सा ये मेथी का और धनिया पत्ता का सब जूस है ना आटा के अंदर लगेगा, ऐसा मैश किया तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। चम्मच से मिक्स करेगा ये पत्ता वगैरह एकदम अच्छा नहीं होता है ना, ये ऐसा मैश करेगा तो सारा फ्लेवर मिक्स हो जाएगा, तभी अच्छा टेस्ट आ जाएगा टिक्की। और थोड़ा सा पानी लगेगा, अभी 1/4 कप पानी डाला है मैंने, 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी डाल दिए, अभी गैस चालू करिए, अभी गैस मीडियम में रखने का, हाई में नहीं रखने का, थोड़ा धीरे हंच में लगाने का, ज्यादा हाई नहीं बहुत सिम में नहीं, ऐसा मीडियम में रखेंगे। अभी मैं इसके अंदर घी डालती हूँ, घी मतलब ज्यादा ऐसा डुबाने का नहीं है, हल्का सा हम लोग डालने का है ना, टिक्की बोलेगा तो ज्यादा ऑयल और घी का भी जरूरत नहीं है, मैं घी से बना रही, आप लोग को ऑयल चाहिए तो ऑयल से भी बना सकता है, थोड़ा थोड़ा घी में बना सकते हैं हम लोग, मगर घी में अच्छा टेस्ट आ जाता है ना, हम लोग थोड़ा घी है ना ज्यादा डुबाने का नहीं है, इसीलिए मैं घी डाल रही हूँ, ऑयल भी अच्छा नहीं है ना आजकल, से ऑयल से बेटर है थोड़ा घी, गाय का घी है, घी डाल दिया ना, अभी थोड़ा थोड़ा तिल डाल रही है, ठीक है ना, ऐसा थोड़ा 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 डालने का है, देखा फ्रेंड्स, आप लोग को छोटा चाहिए तो छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा चाहिए तो बड़ा बना सकते हैं, थोड़ा पतला कर दीजिए क्यों हम लोग ज्यादा ऑयल नहीं डालते हैं ना, जल्दी अच्छे से बन जाएगा, मेरा तवा बड़ा है ना इसीलिए इतने सर आ रही है, छोटा तवा है तो 3-3 डाल दीजिए, इतना अच्छा टिक्की हम लोग टेस्टी टेस्टी ग्रीन वेजिटेबल से बना के खा सकते हैं, ग्रीन लीव से बना सकते हैं अच्छे से, देख ली, थोड़ा थोड़ा घी डाल दीजिए, इतना डुबाने का जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसा, वाओ अच्छा बन रही ना, हल्का से दबाइए ऐसा एकदम बराबर आ जाए, देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रही है,
थोड़ा सा गीली है, उसमें से मैं सबको एडजस्ट कर रही, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मगर बढ़िया टेस्ट आ जाता है ना, ठीक ना। पक रही है और थोड़ा पकने का इसका, जल्दी जल्दी नहीं करने का, मीडियम में रख दीजिए आराम से, अंदर से कच्चा रहेगा, अच्छा टेस्ट नहीं आता है, मेथी है ना खड़वा रहेगा, आराम से टिक्की करेगा तो थोड़ा क्रिस्पी पे आ जाएगा, अच्छा टेस्ट ही बनेगा। अभी हम लोग थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करेंगे, इतना अच्छा लग रहा है, मन पसंद की चीज खा सकते हैं हम लोग घर में बना के, अच्छा अच्छा हेल्दी वाला। आप लोग टिक्की आलू 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 से ये सब बना के खाएगा ना, ग्रीन लीव्स का, बहुत ही बढ़िया अच्छा रहेगा। आप लोग चाय के साथ खा सकता है, मॉर्निंग में खा सकता है, आफ्टरनून को खा सकता है, अपने मर्जी, कभी भी इच्छा रहेगा बना के फटाफट खा लीजिए। देखा फ्रेंड्स, अभी उल्टा भी किया, देखना कितना अच्छा लग रही है ना। देखा फ्रेंड्स कैसा टिकिया बन गया। आप लोग अच्छे से सॉस के साथ खाना, टमाटर की चटनी के साथ खाना, लहसुन का चटनी के साथ भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। देखा फ्रेंड्स ऐसे बनाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया टिक्किया बनेगा। आप लोग ऐसा बनाइए, खा लीजिए, कैसा बन गया, कैसा टेस्ट आया, मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग को परिवार को, आप लोग को फैमिलीज को मेरा चैनल फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। Bye friends, see you, take care, God bless you.